देखिए, 2 दिन पहले इस वीडियो का पार्ट वन हमने अपलोड किया था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देख लें, क्योंकि अगर उसे आप नहीं देखेंगे तो ये वीडियो सबको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक डीप नॉलेज देने की कोशिश की है ट्रेसिंग की। और अगर वो पार्ट वन आपने नहीं देखा तो ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कम लोग इसे समझ पाएंगे। तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको पार्ट वन देखना ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ पार्ट वन, वो आप पहले देख लें, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपके लिए ट्रेसिंग आसान होगी। ये दिक्कत है ना, इसमें क्या क्या किया प्रमोद आपने? चार्जिंग जैक, ओनली चार्जिंग जैक। देखिए, ऐसे केस में सीसी बोर्ड बदलेंगे, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी ज़्यादातर, है ना। लेकिन कभी कभी सीसी बोर्ड बदलने से भी प्रॉब्लम सही नहीं होती। चलिए पहले हम इसे देखेंगे खोल करके। कनेक्टर लीजिए, कनेक्टर तो आपका आ गया यहाँ। इसका मतलब इसका कनेक्टर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? जब कनेक्टर या पीसीबी चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। यानी आसान है इस केस में, हम बैटरी, कनेक्टर, पत्ता, ये सारी चीज़ें, कुछ भी इनमें से गड़बड़ हो, अगर हम उसे चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसे नॉर्मली हर टेक्नीशियन जो मोबाइल खोल पाता है वो कर लेता है। लेकिन इसके आगे अगर, यानी इसके चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो हुई तो उस केस में कैसे ये प्रॉब्लम जो है ठीक होगी? मान लेते हैं कि भले ही ये पीसीबी चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इसके चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी, तो हम प्रॉपर एक ट्रेसिंग समझेंगे कि जब पीसीबी चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है, पत्ता चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो फॉल्ट फाइंड कैसे करते हैं? तो अभी हम फिलहाल फॉल्ट फाइंड करेंगे, बाद में इसका कनेक्टर हम ठीक करेंगे और ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। ये हमने चार्जिंग कनेक्टर जो हमारा था मदरबोर्ड के ऊपर का, उसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसे खोलेंगे हम इस मैट्रिक के अंदर, और ये आ गया हमारा चार्जिंग बोर्ड। अब यहाँ आप देखेंगे कि इस चार्जिंग बोर्ड पर एक जगह आपको दिख रहा है जो कि है बैड थर्मल, या ऊपर से गिनेंगे 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 गिनेंगे तो 9 नंबर की पिन पर है। हालांकि यहाँ जो पिन लिखा हुआ है 17 नंबर है, ठीक है, लेकिन आप एक साइड से गिनेंगे तो आपको 9 नंबर दिखेगा बैड थर्मल। तो हम देखेंगे 9 नंबर से जो हमारा बैड थर्मल निकला वो गया कहाँ। देखिए, ये आया सीपीयू के अंदर, दिख रहा है? तो 9 नंबर से निकला और चला गया ये हमारा सीपीयू के अंदर। अब हमें सिर्फ इस लाइन को ट्रेस करना है सब बोर्ड के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि ये सब बोर्ड में कहाँ गया। तो हम इधर से 9 नंबर देखेंगे और इधर से हमारा आया है वी बस। आप देखिए, इधर से आया क्या? वी बस आया हमारा। कितने नंबर पर? 1 2 3 4, 4 पिन पर आया है। उसके बाद इधर देखेंगे 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 नंबर पर हमारा है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिखेगा एनसी, ठीक है, और यहाँ कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी आपको। तो जिस साइड हमें एनसी मिलेगी उसी साइड से अपोजिट से हम 9 नंबर गिनेंगे, ठीक है। अब देखिए, 4 इधर से 4 इधर से, अब पता नहीं चल रहा है कि हमें इधर से गिनती करना है कि इधर से गिनती करना है, क्योंकि वीबस की लाइन दोनों तरफ आ रहा है। एक तरफ वीबस की लाइन होती तो हम यहाँ से गिनती कर लेते 9 नंबर, लेकिन हो सकता है 9 नंबर इधर से हो। तो अभी हमें क्या करना है, देखना है कि इस वीबस के लास्ट में इधर और इधर किधर वैल्यू और किधर एनसी है। जिधर एनसी होगा उधर ही से हम 9 नंबर गिन लेंगे। हाईवोल्ट मोड पर कर दिया मल्टीमीटर को और हमने यहाँ चेक किया तो एक वैल्यू आ रही है 445 की, मतलब ये एनसी नहीं है। और यहाँ हम देखेंगे तो हमें यहाँ ओएल मिल रहा है, मतलब एनसी है। तो इधर से हम बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे और गिनेंगे 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी 9 नंबर। तो 9 नंबर पर हमें थर्मल देखने को मिलेगा, वो लाइन आई है यहाँ। हम जब चेक करेंगे यहाँ तो हमें यहाँ 799, लगभग 800 की जीआर वैल्यू मिल रही है। तो अभी हम इस लाइन को ट्रेस करके पहुँचेंगे कहाँ, सब बोर्ड पर पहुँचेंगे, यानी यहाँ पहुँचेंगे इसको ट्रेस करने के बाद। यानी अभी हमें क्या करना है, हम इस लाइन को ढूंढेंगे
तो हमें दोनों लाइनें यहाँ से मिल जाएगी, 1.8 भी मिल जाएगी, और हमें सीपीयू की लाइन तो ये है ही है, सीपीयू की लाइन को ढूंढेंगे, हमें उस रजिस्टर के दूसरी तरफ 1.8 मिल जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं 9 नंबर हमारा कहाँ आ रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा लगा है ये लिखा हुआ है सब, ये सब बोर्ड पे लगा हुआ है, और ये हमारा लिखा है मेन, मतलब ये हमारा मेन पत्ता पर आ जाएगा, ठीक है, मेन बोर्ड पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर से हम देखेंगे तो हमारी जो गिनती थी वो ऊपर के पिन से 9 नंबर थी, तो हम यहाँ भी ऊपर के पिन से 9 नंबर गिनती गिनेंगे। तो जब हम इसे पलटी मारेंगे तो अब इधर से हमें 9 नंबर गिनती करना है, ठीक है। इधर से हमें देखना है कि ये 9 नंबर यहाँ किधर आ रहा है, जिससे हमें पता चलेगा ये सब बोर्ड पर क्या है। तो हम इसको करेंगे बीप मोड पर क्वांटिटी चेक करने के लिए, और यहाँ से रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबर, और 9 नंबर रख करके यहाँ हम चेक करेंगे कि ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। दोनों पत्ता दिख रहा है आपको, दोनों तरफ का कनेक्टर, तो इधर हमें कुछ नहीं मिला। अब हम देखेंगे दूसरी तरफ, एक ही हाथ से पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नहीं, मिला क्या? ये मिला। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 है। तो हमें गिनती किधर से मिलानी है याद रखिएगा, हमें गिनती मिलानी है ये इधर से 9 नंबर, ठीक है, इधर से 9 नंबर है हमारा, तो हमें इधर से 9 नंबर मिलाना पड़ेगा ना। क्यों? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 था, तो इधर से 1 2 3 4 8 9 आएगा। तो इधर से 9 नंबर है क्या? इधर से 9 नंबर है, मतलब इधर से 9 नंबर गिनना होगा हमें। हाँ, जीआर आ जाएगा, लेकिन 800 की जीआर कहीं और मिल गई तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 800 की जीआर वहाँ आ रही है ना, तो यहाँ 800 की जीआर आएगी अगर। अब जी आर चेक करने के लिए तो फिर एक एक पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा, तरीका यही सही है और सीधा तरीका, ठीक है। यहाँ से 9 नंबर, अब हमें देखना है कि ये 9 नंबर, अब यहाँ से हमें देखना है कि ये 9 नंबर किस रजिस्टर पर जाके मिला है। चलिए अभी पहले बैटरी निकाल लेते हैं, ध्यान रखेंगे बैटरी लगा काम नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नंबर कहीं रजिस्टर पर गया है क्या, देखेंगे। कहीं रजिस्टर पर नहीं गया है, चलिए, मतलब यहाँ कहीं रजिस्टर पर नहीं गया, लेकिन इसके पीछे भी तो रजिस्टर होगा। अब पीछे कौन सा रजिस्टर होगा? चलिए तो अभी क्या करेंगे, यहाँ 9 नंबर पर हम एक जम्पर लगाएंगे, ठीक है। ये मिला, ये सीपीयू की लाइन, ये तो हमें पता है ना, मतलब हमें जो मिला वो ये मिला, ठीक है, एनटीसी रजिस्टर। अब इसकी शक्ल देखिए आपको क्वाइल की तरह देखने को लग रही है। चलिए अगर ये हमें दिखा है तो इसी में एक रजिस्टर और जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसी में एक रजिस्टर और जुड़ा होना चाहिए, वरना ये हो सकता है, देखिए जुड़ा है। अगर ये जुड़ा है तो ये एनटीसी रजिस्टर है, तो यहाँ का ग्राउंड होना चाहिए, देखिए ग्राउंड है, बीप दे रहा है ना, इधर वैल्यू आएगा ना, लेकिन कब वैल्यू आएगा? जब हमारा पत्ता लगा होगा, वरना ओएल आएगा, जैसा कि अभी ओएल देख रहे हैं यहाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ चेक करना है 1.8 आ रहा है कि नहीं, तो 1.8 इधर आना चाहिए, क्योंकि जब इधर ग्राउंड है और ये इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ हमें मिलेगा ग्राउंड। तो हम यहाँ चेक करेंगे ग्राउंड, सॉरी यहाँ चेक करेंगे 1.8 आ रहा है कि नहीं। अब हम जब चार्जिंग लगाएंगे तभी तो, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है चार्जिंग लगाने से आ रहा है, तो वोल्टेज भी चार्जिंग लगाने से ही आएगा, तो हम यहाँ चार्जिंग को कर देंगे कनेक्ट।
तो हमें यहाँ देखना है 1.8 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 1.8 नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है? 0 0 कोई वोल्टेज यहाँ नहीं है, मतलब अगर यहाँ 1.8 देंगे तो ये आउटपुट सप्लाई दे देगा सीपीयू को, डिवाइडर सर्किट बनी है, सीपीयू को जैसे ही दे देगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब यहाँ 1.8 नहीं आ रहा, तो यहीं से सीधे जम्पर उठाएंगे और ये लाइन इससे जुड़ी होनी चाहिए, तो यहीं पे हम एक जम्पर यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, और यहीं पे दे देंगे 1.8, क्योंकि ये लाइन इससे कनेक्टेड है। अब हम देखिए इस मैट्रिक में, आप देखिए ये दूसरी तरफ से हम गिनेंगे वी बस की लाइन, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 और 8, है ना 8 नंबर, इस 8 नंबर पर मार देंगे, मतलब दूसरी तरफ से 8 नंबर। अब अरे भाई ये देखो ना वी बस, ये देखो ये वी बस की लाइन इधर से, हमने इधर से काउंट किया था 1 2 3 4 और 9 नंबर पे जोड़ा था, है ना? अब हम इधर से काउंट कर रहे हैं, इधर से काउंट कर रहे हैं ना, तो 8 नंबर, कितने नंबर? उसी के अपोजिट में 8 नंबर, मतलब कहने का ये है अपोजिट में 8 नंबर। अब देखिए यहां से हमने चेक किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इधर जो 9 है हमें इधर से 8 देना है, यही उखड़ गया, इसी की वजह से दिक्कत है। देखिए तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां दे देंगे जंपर और हमारी लाइन हो जाएगी ओके, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम जंपर हम यहां कहीं से उठा लेते हैं मेन बोर्ड से, तो मेन बोर्ड से 8 नंबर से हम जंपर उठा लेंगे, यहाँ से गिना था हमने ये 9 नंबर, अब इधर से हम गिन लेंगे 8 नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर 1.8 होना चाहिए। चलिए अब चार्जिंग लगा के देखते हैं क्या स्थिति बन रही है इसकी। थोड़ी देर के बाद आ रहा था ना, थोड़ा देर वेट करेंगे। हाँ देखिए 66% बैटरी चार्ज है और एम्पियर ले रहा है 9.1 एम्पियर, 0.9 है। बढ़ेगा ऑन करके देखें, तो ऑन होगा सही हो, मतलब ये है कि हम सीधे जंप जैक बना लेते हैं, हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए 1% इंक्रीज भी हो गया ये,
चलिए अब हम आपको ना दिखाते हैं कि वहाँ 1.8 आया कि नहीं आया। देखिए 1.8 वोल्ट आ गया प्रॉपर।